Hello, my name is Aditya Saxena and I am a student of class 9D, BGS International Public School, Delhi. Today, me and my team members, Anya, Aditya, Bhavansh, Aditi, Ananya, Abhisht and Dev are going to throw some light on the issues and problems faced by small farmers. अरे सुनती हो, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, खेत में काम करने के लिए भी जाना है। हाँ जी, ये लीजिए। अरे ये क्या, सिर्फ प्याज और रोटी, कोई सब्जी नहीं है क्या? नहीं, घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा हम तो रोटी को भी मोहताज हो जाएंगे। क्या करूं भगवान, इतनी थोड़ी सी जमीन है, कितनी भी मेहनत कर लूं पूरा साल काटना मुश्किल हो जाता है। These are small farmers. These smallholder farmers are important for India's agricultural and rural economy. अरे सुरेश कैसे हो? ओके, हाउ आर यू? क्या कहा जाए, हमारा नेता कैसा हो? भैया जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? भैया जी जैसा हो। मेरे किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं? मैंने आपका हित का हमेशा ख्याल रखा है और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ करूँगा। मैं आपको मुफ्त में बीज और फर्टिलाइजर आदि सब दिलवाऊंगा। नेताजी, आपने पहले भी यही कहा था कि आप हमें बीज खाद आदि सब मुफ्त में दिलाएंगे, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। आप हर साल वादे पे वादे करते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारी हालत दिन पे दिन बेकार होते जा रही है। मैं आपको इस बार विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल निराश नहीं होना पड़ेगा। नमस्कार। हमारा नेता कैसा हो? भैया जी जैसा हो। पॉलिटिशियंस टेक एडवांटेज ऑफ दीस पुअर फार्मर्स बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस एंड बिफूल देम टू गेट देयर वोट। बट अनफॉर्चुनेटली these politicians forget about the problems faced by these small farmers and their difficulties. बिटिया जरा पानी ला दो। पिताजी पानी। क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो? पिताजी खेत में बेहोश हो गए थे। अरे क्या हुआ, कैसे, ठीक तो है ना ये अब? अरे कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। अरे बेटा, पर पैसे कहाँ से लाएंगे? द हेल्थ कंडीशंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। विदाउट प्रॉपर फूडिंग नरिशमेंट दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज फुल ऑफ देयर पोटेंशियल। ऑल्सो दे डू नॉट हैव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। पिताजी, बाजार में नए तरह के सीड्स और फर्टिलाइजर्स आए हुए हैं, ये बड़े बड़े किसान जो है ना वो इन्हीं से तो दिगना दुगना कमाते हैं, क्यों ना इस बार हम भी ये खरीद के देख ले। अरे बेटा, पर पैसे कहाँ से लाएंगे, ये सब बड़े किसानों के लिए है, हम गरीबों की किस्मत में तो सिर्फ गरीबी ही है। अरे भैया ऐसा नहीं है, अगर हम भी कोशिश करें ना तो इस गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। पर कैसे? अरे क्यों ना हम साहूकार से पैसे लोन पर ले ले, उससे नई फर्टिलाइजर और बीज खरीद लेंगे, फिर जब फसल दोगुना हो जाएगा तो उसे पैसे लौटा देंगे। हाँ पिताजी, चाचा जी सही कह रहे हैं। सीड्स इज अ क्रिटिकल एंड बेसिक इनपुट फॉर अटेनिंग हायर क्रॉप यील्ड, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मेनली बिकॉज ऑफ एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस ऑफ बेटर सीड। क्या है, किधर चले जा रहे हो? हमको साहूकार जी से मिलना है। क्या हुआ, कोई काम है? हमें लोन चाहिए। क्या कुछ है गिरवी रखने के लिए आपके पास? हाँ, जमीन के कागज हम साथ में लाए। ठहरो। कौन है रामू? अपने वो जो रमेश है ना, वो लोन के लिए आए हैं। कोई पेपर साथ लाया है? हाँ वाले, वो अपने पेपर साथ लाया है। ठीक है भेजो।
राम राम मालिक। कितना लोन चाहिए? मालिक 1 लाख। देखो 35% ब्याज लगेगा। मालिक ये तो बहुत ज्यादा है, कृपया कुछ दया करिए। 30% से 1 पैसा कम नहीं लगेगा, लेना है तो लो वरना जाओ। ठीक है मालिक, दे दीजिए। लाओ जमीन के पेपर। इनडेबटनेस वॉज लिस्टेड एज द प्राइमरी रीजन फॉर 55% ऑफ फार्मर सुसाइड्स इन 2015 एंड मोर देन 3 लाख इंडियन फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड सिंस 1995। हे भगवान, सूखे ने मेरी सारी फसल खराब कर दी। अब क्या होगा, सरकार के पैसे कैसे देंगे? अब क्या होगा पिताजी, हमारा हमारी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। ड्रॉट लाइक कंडीशंस एंड फ्लड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, लीड टू हायर रूरल पॉवर्टी लेवल्स एंड फार्मर डिस्ट्रेस। बिटिया की शादी भी पास आने वाली है, अब क्या होगा, कैसे करेंगे शादी? हमारी रही सही जमीन भी चली गई। धीरज रखो माँ, चुप हो जाओ। अरे बिटिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जरा देखो तो। माँ, माँ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, उठो जी। पिताजी उठिए पिताजी। पिताजी ने तो जहर खा लिया। ये आपने क्या कर लिया, हमारा क्या होगा? More than 72% of farmers who commit suicide have less than 2 hectares of land. Latest data on farmer suicide compiled by the National Crime Records Bureau, NCRB, show. According to NCRB report, less than 2% of farmers who committed suicide were large farmers with more than 10 hectares of land. As we all saw, farmers need money to buy seeds, pesticides, manure and farm instruments. And if the crop fails, then they are put to great distress to pay these loans. Instead of helping them, these loans push the small farmers into a vicious cycle of debt and loans. Many farmers like Ramesh commit suicide, while others like Suresh get trapped in this vicious cycle of poverty, loan and debt forever. Now, it is the duty and responsibility of our government to provide support and facilities to these small farmers. Thank you. Jai Hind. Be Indian and buy Indian.